58 पोटेंशियल बताना है, ओरिजिन पे प्रैक्टिकल फील्ड दिया हुआ है, पोटेंशियल ओरिजिन पे जीरो लेना है, हमें पोटेंशियल बताना है टू टू पे। तो हमें चेंज इन पोटेंशियल का फॉर्मूला आता है, वो किसके बराबर होता है, बी ए से बी पे जा रहे हो तो किसका होता है माइनस ई डॉट डी आर आर ए टू आर बी, इसके बराबर होता है। ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, ई की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है 20 आई कैप कॉन्स्टेंट है, फील्ड जो है कॉन्स्टेंट दिया हुआ है। डी आर की जगह आप क्या लिख दें डॉट डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप, क्योंकि इसमें जेड कंपोनेंट नहीं है तो डी जेड को छोड़ा जा सकता है आर ए टू आर डी माइनस इसको आई आई से मल्टीप्लाई होगा जे जे से मल्टीप्लाई होगा, डॉट प्रोडक्ट निकाल दें तो ये 20 डी एक्स प्लस 30 डी वाई, ये पॉइंट्स हमारे हैं 0 0 से 2 तक, 2 2 तक जाना तो अलग अलग कर देते हैं, माइनस माइनस यानी बाहर ही रख लेते हैं 20 डी एक्स, इसमें तो वेरिएबल कौन सा है एक्स है तो 0 से 2 पहले वाला लेंगे और प्लस 30 डी वाई, इसमें वेरिएबल वाई है तो इसका वेरिएबल वाई कितना 0 है और इसमें कितना 2 है, ये हो जाएगा तो माइनस 20 कॉन्स्टेंट में बाहर आ जाएगा, एक्स की पावर 0 यहाँ पे 1 है, 1 को हम कह सकते हैं एक्स की पावर 0, उसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स आ जाएगा, पावर बढ़ जाएगी एक उतनी पावर से डिवाइड कर देंगे एक्स आ जाएगा और उसकी लिमिट्स जो है 0 to 2 प्लस 30 कॉन्स्टेंट टर्म है, यहाँ पे 1 है, 1 को हम कह सकते हैं y की पावर 0 और y की पावर 0 का इंटीग्रेशन करें तो कितने बराबर y के बराबर आएगा 0 to 2 तो 22 माइनस 0 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्लस 30 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो ये 40 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, 40 प्लस 60 100 तो किसके बराबर होगा माइनस 100 वोल्ट, जो गिवन पॉइंट है 22 उस पर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा माइनस 100 वोल्ट के बराबर होगा, ठीक है। आपने बस एक फार्मूला याद रखना, चाहे पोटेंशियल निकालना या चेंज इन पोटेंशियल निकालना हो आप इसी से फार्मूले से निकाल सकते हैं। पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है तो आपको क्यू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी और पोटेंशियल के फार्मूले बस एक ही फार्मूला है जो आपको याद रखना है।